वाह, हुस्न अपने उरूज पर है और पैमाने से छलक रहा है तेरा सुरूर। वाह, अब एक लाइन में बोल। क्या दिख रहे हो भाऊ, रौनक ही रौनक टपक रही है फोटो में से। अरे बचपन से इतना सुंदर ये क्या कर रही है? वो पोस्टर फाड़ना नहीं है? इम्ब 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 आई एम बी इम्ब मतलब इश्क में बलिदान। मैंने सुना है अरमान की टांग को लेकर लखन बहुत टेंशन में। हाँ तो इसलिए मैंने सोचा मैं अपनी टांग काट कर लखन को गिफ्ट कर देती हूँ, वो अरमान में फिट कर देगा। ए ए ए अरे पागल हो गए, छोड़ डैडी, छोड़ मुझे, छोड़ो डैडी, छोड़ मशीन, छोड़ डैडी, बट अरे छोड़ बोल रहा हूँ डैडी, मेरी बात सुन, सुन सुन, तेरी टांग अरमान को फिट नहीं होगी। वो लड़का है, तू लड़की है। अरे पापा छोटी पड़ जाएगी ना, तो कैसा दिखेगा ये? ऐसा अच्छा दिखेगा है ना? हाँ हाँ डेड टांग के साथ अरमान क्या करेगा? वही डैडी, लेकिन आप तो लड़के हो, आपकी टांग फिट आएगी। अरे क्या बोल रही? अरे नहीं स्वीटी, अरे अरे स्वीटी, अरे रोक रोक, देख 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 देख, लखन के लिए मैं दूसरी टांग का बंदोबस्त करता हूँ। हाँ पापा शपथ। सेल्फिश यूजलेस मैन। जो आता है मेरी टांग पे भाऊ मैं। हाँ बोल पक्के, क्या है भाऊ? आपके लिए खबर लाया हूँ। नहीं आपको आना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? एक मिनट देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के आपको धमकी देता हूँ। देखिए हमारे भैया उधर सीमा पर बैठे हैं। सीमा किधर है? अबे उदासी की चरण सीमा पर बैठे हैं। देखिए हम कटरीना का ब्याह होते हुए देख सकते हैं, पर भैया को उदास नहीं देख सकते। हाँ और आप ही उनके चेहरे पे स्माइल ला सकती है। अरे हम लोग गोवा तो एक कभी का कर चुके होते ना। अच्छा मौका है, लड़का इमोशनल है, जल्दी पिघल जाएगा। हाँ ठीक है चलो। हाँ चल आई। अब देखो लखन, तुमने कोशिश तो की ना, और कभी कभी इंसान कुछ और कर भी नहीं सकता है। ये तो सिर्फ एक था, दुनिया में न जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो शायद तुम्हें कभी माफ ना कर पाए, पर तुम अपनी बातें शेयर करके अपना मन जरूर हल्का कर सकते हो। लखन तुम बात करो, तुम बात करोगे तो मन हल्का हो जाएगा तुम्हारा। सही बोल रही है तू, सही बोल रही है। वैसे तो अपन ने बहुत लोग की बारह की ढेर बजा ली है, लेकिन अपन को आज भी याद है अपन 8 साल का था, ये घंटी कुछ 14 साल का था, और डब्बा उस वक्त भी कुछ 25 साल का था। अपन उस वक्त अपना पहला कांड किया था। क्या किया था तुमने? अरे कांड बोले तो अपना मैटर बजायला था। वो खजूर ने अपने को बहुत उल्टा सीधा बोला था। कौन? अरे क्या क्या नाम है खजूर का अपने को याद नहीं आ रहा है, पर ऐसा समझ के फोन नहीं है, ये पत्थर है। अरे तेरा फोन कैसे ले रहे? ये ले ये। हाँ समझ के फोन नहीं, ये पत्थर है, अपन उसके लिए रुका था। किसके लिए? अरे खजूर का नाम याद नहीं आ रहा है, बता रहा है ना, एक मिनट। अपन उसके लिए रुका था,
वो ऐसे सामने से आ रहा था। कौन आ रहा था? अरे वही खजूर चल के आ रहा था। अपन ने ऐसा पत्थर उछाला और उसको ये मारा। किसको मारा? वो ऐसे सामने से आ रहा था। कौन आ रहा था? अरे वही खजूर चल के आ रहा था। अपन ने ऐसा पत्थर उछाला और उसको ये मारा। किसको मारा? भाई शाबाश मेरे काले टीके। अरे भाऊ, अरे आफ्ताब भाई, सॉरी बोलते हैं अपन भाऊ। आदत मिट्टी में मिल गया आज दशरथ जी का नाम। अरे लोग जिनके बारे में कसमें खाते हैं कि भाई शरीफ आदमी हो तो दशरथ जी जैसे हो, और उन्हीं के बारे में अरमान इतनी गंदी बातें करता है। पप्पा शपथ, ये अरमान के सपने लौटाने नहीं बल्कि जो बचे कुचे सपने हैं ना वो भी छीन लेने चाहिए। हाँ भाई, क्यों काल मारे कल? भाऊ सॉरी, वो आपने कंधे पे हाथ रखा ना तो अपन का तो वो ऑटोमेटिकली। हाँ मालूम है मेरे को। नहीं 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 मालूम है, वो दशरथ जी के बारे में बातें सुन के सदमा मुझे इतना पड़ा कि मैं अकसूर हो गया। अरे भाऊ उसके लिए वो हाथ इधर मालूम नहीं रहा। मालूम देख लगा तेरे पिताजी मेरे पिताजी। अरे भाऊ नहीं 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 नहीं, तू कुछ नहीं करेगा ना तो मैं ही करूंगा। हाँ भाऊ दशरथ जी से इतनी मोहब्बत करते, इतनी मोहब्बत करते हैं कि इनका बस चले ना तो उस अरमान को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। दौड़ा दौड़ा के। चाकू इधर है। चाकू देना। अब मक्खन गिरी बहुत हो गई लिया भाऊ, अभी सिर्फ लखन गिरी काम आएगी। माय नेम इज भाई। अब लखन को कोई नहीं बचा सकता। यस हेलो। हाँ अर्जुन, लखन निकला है अभी। कब से चिल्ला रहा था रोक रोक रोक, कान में क्या केला डाल के घूम रहा था तू? तेरी तो तेरा खेल खत्म। तेरा खेल खत्म। खेल तो अभी शुरू है।
जरा दो मिनट रुक ना खाकी, अभी रात बाकी बात बाकी। ये ले तेरे लिए। ए! ए! अरे अपन फोन निकाल रहे ले भाई, फोन फोन से डर गया तू काकी। अपन थोड़ा मजाक चिढ़क रहे ले। अभी अपन को दो मिनट दे काकी, अपन के अरमान भाई के साथ ना थोड़ा रिजर्वेशन करने का है। कॉन्वर्सेशन आओ इच। हाँ बिड़ू, तो अभी अपन टोटल ना 2 किलोमीटर दौड़ा। अक्का वर्ल्ड में ये रेस का टॉप का रिकॉर्ड है 3 मिनट और 20 सेकंड का, और तूने ये दूरी पूरा किया है 3 मिनट और 50 सेकंड। छमाएला कुछ समझा बिड़ू? तू अगर ये रोना धोना छोड़ के खाली दौड़ना शुरू करेगा ना तो गोल्ड तो तू पक्का लेके आएगा भाई। हाँ ओलंपिक्स में ना सही। ओलंपिक? हाँ वही, लेकिन वो दूसरा वाला होता है ना, वो एकदम प्यारा वाला ओलंपिक्स। पैरा ओलंपिक? हाँ वही, उसमें ला सकता है। जो अपन का दिव्यांग भाई लोग का रहता है ना, उसमें गोल्ड ला सकता है तू भाई। देख बुडू, अपन मानते हैं अपन तेरे साथ जो कुछ भी किया ना बहुत गलत किया, लेकिन अपन के किए की सजा तू अपने आप काय को दे रहे ले? अरे तेरा जिंदगी है दौड़ना, तू दौड़ ना भाई, तू दौड़। अपन के वजह से रुक जाएगा क्या? कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में तेरे को ये बात बोलेगा। अरे अरे भाई, अरे सुन सुन सुन, तेरे को थैंक यू बोलने का है ना भाई, तो अपन को नहीं। अपन क्या आफ्ताब भाई को बोलने का? अरे भाई, जब तुमने बोला ना कि भाऊ इसको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, तभी अपन के भेजे के बल्ब में करंट आ गया ना। अपन बोला भाई क्या ढासू आइडिया है, अपन यही चूज करेगा। आ भाऊ। आफ्ताब भाई थैंक यू। बेशक बेशक थैंक यू। लखन, जब भाऊ बाऊ जी के लिए भी इतना कुछ कर सकते थे तो बाऊ थोड़ा अब